अगर आप भी पॉलीटेक्निक कर रहे हैं और पॉलीटेक्निक करने के बाद आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लें और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पॉलीटेक्निक करके, डिप्लोमा करके आप ऐसे कौन से 5 ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब हैं जो कि ले सकते हैं, और ये जो गवर्नमेंट जॉब होती है सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा एस्पिरेंट्स के लिए होती है। ऐसे स्टूडेंट जो कि डिप्लोमा कर लिए हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और यदि वह प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए आप तैयारी कर सकते हैं इन ज़बरदस्त जॉब्स की, जो मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। जो सबसे पहला जॉब है स्टूडेंट, ये है आपके इंडियन नेवी की तरफ से, और इंडियन नेवी की तरफ से हर साल रिक्रूटमेंट निकलती है आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक की। और इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक की वैकेंसी हर साल निकलती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट ही एलिजिबल होते हैं। इसमें आप यदि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, CSIT के स्टूडेंट हैं तो इस जॉब को ले सकते हैं। और यह जॉब जो है पूरी तरीके से गवर्नमेंट और परमानेंट जॉब रहती है, जो कि आपकी हर साल इंडियन नेवी के द्वारा निकाली जाती है। अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी वैकेंसी है, ये है आपका रेलवे JEE। यदि आप रेलवे के पर्टिकुलरली एस्पिरेंट हैं और चाहते हैं कि रेलवे में आप इंजीनियर के पद पे जाएं, तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, इसमें स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ, सभी ट्रेड के डिप्लोमा जो है मान्य होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, CSIT, ये जितने सारे ब्रांच हैं ना, सभी ब्रांच के लिए रेलवे JEE की तरफ से वैकेंसी निकाला जाता है। और आपको बता दें, ये जो वैकेंसी होती है वो बहुत बड़ी मात्रा में निकाली जाती है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली यदि मैं बात करूं तो 10 से 12 हज़ार जो आपका पोस्ट है एक बार में भरा जाता है रेलवे JEE की तरफ से। तो ये जो है दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपकी जॉब रहती है, जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा निकाली जाती है। अगला जो आपका जॉब है स्टूडेंट, ये है आपके इंडियन लोको पायलट। और रेलवे लोको पायलट का यह जो जॉब है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब होता है। और इसमें ITI और डिप्लोमा, खैर दोनों स्टूडेंट ही एलिजिबल होते हैं, लेकिन मैक्सिमम तौर पे यही देखा जाता है कि जितने स्टूडेंट आपके डिप्लोमा वाले हैं उन्हीं लोगों को लोको पायलट में जॉब मिलती है ना। तो लोको पायलट का जो जॉब है, ये एक प्रकार के ट्रेन ड्राइवर की जॉब होती है, जो लोग ट्रेन चलाते हैं। तो रेलवे लोको पायलट के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका डिप्लोमा है। यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा यदि आपने कर चुका है, तो 100% आप इस जॉब को ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ JEE की वैकेंसी, जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है, जो कि तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा निकाली जाती है। जैसे कि SSC के द्वारा निकाली जाती है, DMRC के द्वारा, NMRC के द्वारा, LMRC के द्वारा, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में JEE की जो वैकेंसी होती है वो निकाली जाती है। और जो JEE की वैकेंसी के लिए जो योग्यता रहती है निर्धारित, ये आप लोगों की ये योग्यता रहती है आपका डिप्लोमा। और डिप्लोमा यदि आपने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, CSIT से आपने किया हुआ है, तो आप 100% इस जॉब को ले सकते हैं, जो कि तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी निकाली जाती है। अगला मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब वैकेंसी निकाली जाती है स्टूडेंट। अलग अलग स्टेट के लिए टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है, जिसके लिए जो आपकी योग्यता रहती है ये आपका डिप्लोमा लिया जाता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि जो रेलवे में टेक्नीसियंस होते हैं, उन टेक्नीसियंस की जो जॉब होती है ना, ये भी आप लोगों के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया रहता है, ये या तो ITI रहता है या तो डिप्लोमा रहता है। मतलब कि डिप्लोमा कर रहे हैं आप या फिर आपने ITI किया हुआ है, तो उन दोनों में से कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आप रेलवे में टेक्नीशियन बन सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ही रेलवे JEE और लोको पायलट की वैकेंसी आती है, उसके साथ ही साथ आपके टेक्नीशियंस की भी वैकेंसी आती है। तो इसलिए यह वैकेंसी जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यदि आप भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं और तैयारी करना चाहते हैं अपने गवर्नमेंट जॉब्स की, तो आप जो है इन वैकेंसी को ध्यान में रख करके, इनके पर्टिकुलरली सिलेबस वगैरह को ध्यान में रख करके, तब यदि आप स्ट्रेटजी से तैयारी करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। यह वीडियो कैसा लगा एक बार हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि क्विक जॉब अलर्ट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।